हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है नाउन, और उसमें जो टॉपिक है नंबर, इसके बारे में कि जिस प्रकार से हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी कॉमन नाउन जो होती है उनका सिंगुलर और प्लूरल नंबर होता है, एक वचन और बहुवचन। इसके कुछ रूल्स अपन ने देखे थे पहले वीडियो में, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा पार्ट वन। आज अपन शुरू करेंगे पार्ट टू। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कुछ रूल्स की अपन ने सामान्यता जो नियम है उनकी बात अपन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे रूल नंबर 17 से। जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है कि देखो, कुछ अन्य शब्दों के प्लूरल फॉर्म इस प्रकार होंगे। जैसे कि सिंगुलर में है मिस्टर, तो इसका क्या हो जाएगा, मिस्टर का मैसर्स। कई फर्म्स वगैरह देखी होगी आपने भी, मैसर्स महादेव कंस्ट्रक्शन कंपनी या मैसर्स, यानी वहां क्या है, एक से ज्यादा लोग हैं। इसी प्रकार से देखो, मिसेज का हो जाएगा श्रीमती, तो इसका भी क्या हो जाएगा, मैसडम्स। ठीक है, इसके बाद देखो मिस्टर वाइट, तो यहाँ मैसर्स वाइट हो गया या मिस्टर वाइट्स हो सकता है। इसी प्रकार से देखो मिस ब्राउन, तो यहाँ मिसेस ब्राउन भी हो सकता है या द मिस ब्राउन्स, दोनों तरीकों से किया जा सकता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, लेटर्स, वर्ब्स, डिजिट्स और एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म। इनका प्लूरल बनाते समय अपन एपोस्ट्रोफी में एस जोड़ते हैं। क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी। जैसे एस है तो एस, यानी ये एस अल्फाबेटिक लेटर है आपका, अक्षर है, तो डबल एस के लिए या एक से ज्यादा एस, तो एस या एपोस्ट्रोफी लगा के अपन इसको प्लूरल बनाते हैं। इसी प्रकार से एम हो गया, तो एम में भी एपोस्ट्रोफी एस जोड़ दिया, बी का बी में जोड़ दिया। इसके अलावा देखो सेल है, तो सेल का सेल्स कर दिया, विल का विल्स कर दिया। अब डिजिट आ गया फाइव, तो फाइव कितने टाइम आ रहे हैं, वहां फाइव हो गया। ठीक है, सिक्स का सिक्स हो गया, एम ए का एम एज हो गया, बी ए का बी एज हो गया। लेकिन आजकल देखो एब्रीविएशन फॉर्म में जो है, ये जैसे बिंदी लिखी है, एम के बाद बिंदी, ए के बाद बिंदी, ये मॉडर्न वर्ब में नहीं लिखी जाती। जैसे एमपीज, तो एमपीज जो है, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एमपीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो गया। वीआईपीज, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स, एमएलएज, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसी प्रकार से देखो कुछ एब्रीविएशन जो है प्लूरल लेटर, प्लूरल फॉर्म लेटर को रिपीट करते हैं। जैसे सी, सी का मतलब है सेंचुरी, तो वहां सी सी यानी सेंचुरीज। उसी प्रकार से पी, पी का मतलब है पेज, तो वहां पी पीज यानी पेजेस। उसी प्रकार से देखो एल का मतलब है लाइन, तो डबल एल का मतलब हो गया लाइंस। इसके बाद देखो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 19, जो कि हमें क्या बताता है, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स जिनके लास्ट में एस या ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन उनके अर्थ बदल जाते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। एडवाइस क्या है, आपकी सलाह यानी राय, जो कि क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उसका प्लूरल वैसे तो नहीं बनेगा, लेकिन एडवाइसेस एस जुड़ गया तो उसका अर्थ बदल जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा सूचनाएं। उसी प्रकार से गुड, गुड यानी अच्छा होता है, लेकिन गुड्स का मतलब हो गया सामान। फोर्स का मतलब होता है ताकत या बल, फोर्सेस का मतलब हो गया सैनिक या सेना से संबंधित। कॉपर का मतलब होता है तांबा, जो कि एक मेटेरियल नाउन है, और कॉपर्स का मतलब हो गया सिक्के। इसी प्रकार से आयरन जो मेटेरियल नाउन है, जिसका मतलब है लोहा, लेकिन आयरन्स का मतलब हो जाएगा हथकड़ियां। ठीक है, उसी प्रकार सैंड का मतलब है बालू, तो सैंड्स का मतलब हो जाएगा रेगिस्तान। वर्ड का मतलब प्रतिज्ञा के लिए जो यूज करते हैं वर्ड, और वर्ड्स का मतलब जो है अनेक शब्द भी हो सकते हैं और भाषाएं भी हो सकता है। एब्यूज का मतलब दुरुपयोग करना या गाली देना होता है। एब्यूजेस का मतलब कुरीतियां या बुराइयों से होगा। फुट का मतलब पैर भी होता है, फुट का मतलब पैदल सेना भी होता है, और फुट एक मापने का यूनिट भी होता है, लेकिन प्लूरल में इस जो है एक से अधिक पैर या एक से अधिक फुट के लिए ही होगा। यहाँ पर जो है वो पैदल सेना के लिए नहीं यूज होगा। उसी प्रकार से देखो हॉर्स, हॉर्स का मतलब घोड़ा भी होता है, और हॉर्स का मतलब घुड़सवार सैनिक भी होते हैं, लेकिन यहाँ जो है एस लग गया तो हॉर्सेज का मतलब घोड़े ही होगा, यहाँ जो है सैनिकों से कोई संबंध नहीं होगा।
इसी प्रकार से देखो, वुड का मतलब तो लकड़ी होता है, लेकिन वुड्स का मतलब जंगल हो गया, आम का मतलब बांस होता है, आर्म्स का मतलब हथियार हो गया, कलर का मतलब रंग होता है, लेकिन कलर्स का मतलब झंडा भी होता है, तो रंग अनेक रंग के लिए हो जाएगा और झंडा भी हो जाएगा। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, किसी का चौथाई भाग जो है वो क्वार्टर कहलाता है, लेकिन क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है, जो रहने के लिए बनाए जाते हैं मकान वगैरह, उनको क्वार्टर्स कहते हैं। इसी प्रकार से देखो, क्रिकेट का मतलब खेल होता है, एक दौर एक झिंगुर भी होता है, लेकिन क्रिकेट्स एस लग गया तो झिंगुर ही होगा। वर्क का मतलब कार्य होता है, वर्क्स का मतलब रचनाएं हो गया। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है, अल्फाबेट्स का मतलब भाषाएं हो जाएगा। मैनर का मतलब तरीका होगा, तो मैनर्स का मतलब आचरण हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं तुम्हें मैनर्स ही नहीं है, मतलब कि आचरण ठीक नहीं है तुम्हारा। इसी प्रकार से देखो, रूल नंबर 20 क्या कह रहा है, दो प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है, यानी कि एडजेक्टिव को ही हमने क्या कर लिया, नाउन के रूप में, पहले तो दा लगाया और इसके बाद एडजेक्टिव यूज कर लिया, द पुअर। अब द पुअर का मतलब सारे गरीब लोगों से होगा। इसी प्रकार से द रिच यानी कि सारे धनवान आदमी, द सिक यानी कि सारे बीमार आदमी, और द ब्लाइंड का मतलब है सारे अंधे आदमी। तो यहां पर जो है ये पुअर है, रिच है, सिक है, ब्लाइंड है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन की विशेषता बताता है, लेकिन इससे पहले आर्टिकल आ गया तो इसी को एज ए नाउन यूज हो गया और ये प्लूरल नाउन होगा। इसके बाद देखो, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन अगर रिपीट हो रहा है तो वो सिंगुलर में होगा, जैसे कि विलेज आफ्टर विलेज, सिटी आफ्टर सिटी, रो अपॉन रो, तो ये बीच में आफ्टर आफ्टर अपॉन, ये प्रीपोजिशन है, इधर भी विलेज इधर विलेज, सिटी सिटी, रो रो, तो ये दोनों ही सिंगुलर में ही आएंगे। नेक्स्ट रूल देखो, डजन, ग्रॉस, स्कोर, 100,000, मिलियन, बिलियन, यूनिट का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक जैसा होता है। तो डजन का मतलब क्या होता है, दर्जन, ग्रॉस, स्कोर, ये सारे जो है यूनिट है मेजरमेंट के, मापने के। देखो, आई हैव बॉट 2 डजन पेंसिल्स, तो यहाँ जो है 2 डजन पेंसिल ये वाला सही है, लेकिन यहाँ 2 डजन्स कर दिया, तो डजन्स में जो है ये गलत हो गया, ये गलत होगा। इसी प्रकार से 500 रुपीज हैज बीन स्टैंड, तो यहाँ 100 सही है, लेकिन यहाँ 100 के पीछे एस लग गया तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा। लेकिन देखो, डजन, ग्रॉस, यूनिट से पहले ए, 1, 2, 3 यानी कि कोई भी ऑर्डिनल नंबर लगा हो तो प्रयोग हो, तथा यूनिट के बाद प्लूरल नाउन हो तो द, दीज, दोज, माई, ओवर, हिज एटसेट्रा का प्रयोग हो तो यूनिट्स के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे देखो, 2 डजन ऑफ, अब यहाँ डजन्स तो नहीं होगा, ये गलत है, डजन्स किया है, तो 2 डजन ऑफ द फैन, तो यहाँ ऑफ का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से देखो, डजन, ग्रॉस, यूनिट के पहले A, 1, 2, 3, 4, 5 का प्रयोग न हो तो इन पर यूनिट का प्रयोग प्लूरल में हो तो इसके बाद ऑफ का प्रयोग भी होता है। देखो, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, डजन्स ऑफ पेंसिल्स। अब यहाँ डजन्स क्यों सही है, यहाँ क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ इनसे पहले न्यूमरल आया हुआ है 2, तो 2 डजन ही होगा, डजन्स नहीं होगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, 2, 3, 4 कुछ नहीं है, तो ये डजन्स हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट रूल आपका क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर के रूप में ही होगा, अगर प्लूरल में करोगे तो वो गलत होगा, तो वो कौन कौन से हैं, जैसे एडवाइज यानी सलाह, ब्रेड, रोटी, बटर, ब्रेड एंड बटर सिंगल यूनिट के रूप में भी यूज होता है। इसी प्रकार से चौक, डर्ट, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब उपकरण, फर्नीचर, हेल्थ, ट्रैफिक, बैगेज, ब्रेकेज, ड्रेनेज, गार्बेज, हार्मो क्या है, हेमरोज, ठीक है, हेरिटेज, होमेज, लगेज, पोस्टेज, परसेंटेज। इसी प्रकार से देखो, कन्फेक्शनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, मशीनरी, पोइट्री, सीनरी, स्टेशनरी, म्यूजिक, लिबर्टी, ड्रेपरी, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग होंगे, इनके साथ एस नहीं जोड़ सकते, एस या ई एस। देखो, ऊपर दिए गए नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्हें सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन
माना जाता है, तो इनसे पहले एन का प्रयोग भी नहीं होगा। देखो इधर सही है, फर्नीचर सही है, पोइट्री सही है, ज्वेलरी सही है, लगेज सही है, सीनरी सही है, पोइट्री सही है, लेकिन इनका प्लूरल या एन का प्रयोग करेंगे तो ये जो है गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो ऊपर दिए गए नाउंस का प्रयोग सिंगुलर सेंस में जरूरत के मुताबिक, ए बिट ऑफ, एन आइटम ऑफ, अ पीस ऑफ, अ काइंड ऑफ, ए पाइल ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ सीट ऑफ का प्रयोग करके इनको सिंगुलर बनाया जा सकता है। जैसे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यहाँ जो है सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा। इसी प्रकार से पीस ऑफ लगेज हो जाएगा, लेकिन ए पीस ऑफ लगेजेस नहीं होगा, प्लूरल कभी नहीं होगा। अगर इनका प्लूरल करना है तो पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन कर दो। देखो यहाँ पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन ये सही हो गया, इंफॉर्मेशंस गलत ही है। पीसेज ऑफ फर्नीचर सही हो जाएगा, लेकिन पीसेज ऑफ फर्नीचर्स कभी भी सही नहीं होगा, तो ये देखना है। इसके बाद देखो नीचे दिए गए नाउंस देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं, जैसे न्यूज, न्यूज है, समन्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स, स्टेटिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स, तो ये सारे जो है दिखने में आपको क्या पीछे एस एस लग रहा है तो आप सोच रहे हैं प्लूरल है, लेकिन ये सारे के सारे सिंगुलर है। इसी प्रकार से देखो द न्यूज से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, द न्यूज इज नॉट फॉल्स, तो ये सही हो जाएगा, लेकिन अ न्यूज कभी नहीं होगा, द न्यूजेस भी कभी नहीं होगा। देखो लेकिन सामान समन्स, समन्स का मतलब है न्यायालय में उपस्थित होने वाला बुलावा पत्र, के पहले ए का प्रयोग होता है, अंत में ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ए समन्स सिंगुलर है तो ए समन्स हो जाएगा, और प्लूरल है तो फोर समन्स हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो आईसीएस एंडिंग नाउन से पहले द और पजेसिव एडजेक्टिव, या तो द या पजेसिव में क्या माई और ओवर एटसेट्रा हो तो इनका अर्थ बदल जाता है और प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे माई मैथमेटिक्स, तो यहाँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रूप में नहीं आके उसकी गणना के रूप में आया है, तो इसका अर्थ बदल गया, इसलिए मैथमेटिक्स के साथ आर आया है, आपको नजर आ रहा होगा, ये भी ये प्लूरल वर्ब आ गई। इसी प्रकार से द फिजिक्स ऑफ मोहन, अब फिजिक्स ऑफ मोहन का मतलब क्या है कि मोहन का जो नॉलेज है फिजिक्स से संबंधित, अब फिजिक्स सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ रहा है यहाँ, ये सब्जेक्ट को डिनोट नहीं कर रहा है बल्कि मोहन के नॉलेज को डिनोट कर रहा है कि यहाँ जो है जो इसको फिजिक्स को प्लूरल के रूप में यूज किया गया है। अब बीमारी के नाम जैसे मीजल्स, रेबल्स, जर्मन्स, जर्मन मीजल्स, रिकेट्स, मम्प्स, डायबिटीज, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप हैं, इनसे पहले ए अंदा का प्रयोग नहीं होगा और नहीं एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ए मम्प्स नहीं हो सकता, ठीक है, मम्प्स रेस भी नहीं होगा, द मम्प्स भी नहीं होगा। ये मीजल्स इज ए डेंजरस डिजीज, तो ये मीजल्स है लेकिन वर्ब क्या ही है सिंगुलर, मतलब कि इसको सिंगुलर यूनिट माना है। इसके बाद देखो कुछ खेलों के नाम जैसे बाउल्स, ड्रॉट्स, बिलियार्ड्स, डार्ट्स, डोमिनोज, इनका प्रयोग जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल के रूप में होगा, तो इनसे पहले भी ए अंदा का प्रयोग नहीं होगा, नहीं एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाएगा। जैसे अ बाउल्स नहीं हो सकता, द बाउल्स भी नहीं हो सकता, और बाउलेज भी नहीं हो सकता। बिलियार्ड्स इज प्लेड बाय विमन, ये हो सकता है, बिलियार्ड्स जो है इसके साथ एस यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। अगला देखो नीचे दिए गए नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में होता है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, तो ये याद करनी है कि भाई कौन कौन से ऐसे नाउन है जो हमेशा ही प्लूरल रहेगी। तो देखिए आर्म्स का मतलब होता है भीख, भिक्षा, ब्रीफ्स का मतलब जांघ या कच्छा जो पहनते हैं, क्लॉथ्स का मतलब कपड़े, एनल्स का मतलब इतिहास, एरियर्स का मतलब बकाया राशि, पैंट्स का मतलब जो पता ही है आपको, पायजामा का पता है, ट्राउजर का भी पता है, शॉर्ट्स का भी पता है, अंडर पैंट्स का भी पता है, टूल्स का मतलब औजार, बेलोज का मतलब धोकनी जो कि लोहे को गर्म करने के काम आती है। इसी प्रकार से बाइनोकुलर्स यानी दूरबीन, डिवाइडर्स यानी प्रकार, पिंसर्स यानी संडासी जिससे कि पकड़ कहते हैं अपन, इसी प्रकार से सीजर यानी कैंची, सीयर्स का मतलब कैंचा जो वो काटने के काम आता है, छोटा पेड़ों की टहनिया वगैरह,
टोंग्स का मतलब चिमटा, ग्लासेस का मतलब चश्मा, गॉगल्स का मतलब भी है चश्मा जो कि धूप में पहनने वाले हो, स्पेक्टेकल्स का मतलब भी चश्मा, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है संपत्ति, बॉवेल्स का मतलब आंतड़ियां, ब्रेकेज का मतलब भागने वाली भंगुर चीजें जिसको ब्रेक किया जा सके, ब्रेकेबल्स, ड्यूज का मतलब है बकाया, डूइंग्स का यानी कर्म, अर्निंग्स यानी कमाई, ग्रीन्स यानी साग सब्जी, इंटेस्टाइन्स यानी आते, नप्शियल्स यानी शादी, आउटस्कर्ट्स यानी सीमा, द पिक्चर्स यानी सिनेमा, द मूवीज का मतलब ही सिनेमा, प्रोसीड्स यानी लाभ, रिचेस का मतलब वैभव लाभ, रिमेंस का मतलब शेष, रियोन्स का मतलब अवशेष, सराउंडिंग्स का मतलब वातावरण, टाइडिंग्स का मतलब खबरें। इसी प्रकार से देखो आगे, वेजिटेबल्स का मतलब सब्जियां या सब्जी, ये भी प्लूरल के रूप में यूज होगी, हमेशा वेजिटेबल्स ही फिर शब्द यूज होता है। वैल्यूएबल्स यानी मूल्यवान, द हिमालयाज, अब यहाँ हिमालय क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, एक से ज्यादा पर्वत है, तो यहाँ हिमालयाज, द आल्पस, तो आल्पस में भी क्या है, माउंटेन रेंजेस है, तो इनको यूज किया जाएगा। लेकिन सिंगुलर में करना हो तो इनके साथ क्या कर सकते हैं, पेयर ऑफ ट्राउजर कर दिया तो सिंगुलर हो गया, पेयर्स ऑफ ट्राउजर प्लूरल हो गया, लेकिन ट्राउजर अपने आप में प्लूरल है। वे जिनके ऊपर ये स्टार बना हुआ है वो प्लूरल, क्योंकि इनके दो भाग होते हैं इसलिए प्लूरल माना गया है। अगला देखो, रूल नंबर 26, कैटल, सीप, डियर, जेंट्री, पोल्ट्री, फोक, पीपल, पुलिस, कैलेवरी, कैवेलरी, इन्फेंट्री, फिजेंट्री का प्रयोग प्लूरल के रूप में होता है, ए एन दा का प्रयोग नहीं होता, नहीं जो है एस या ई एस आई एस जोड़कर प्लूरल बनता है, ए कैटल नहीं होगा, ए सीप भी नहीं होगा, कैटल्स भी नहीं होगा और सीप्स भी नहीं हो सकता, यानी सिंगुलर प्लूरल एक जैसे है। पोल्ट्री जो है, ए पोल्ट्री भी नहीं होगा, पोल्ट्री ही होगा, पोल्ट्रीज भी नहीं होगा। देखो, आई हैव सीन अ डियर, अब डियर जो है सिंगुलर बताना है तो अ यूज कर लो, ए डियर हो जाएगा, और प्लूरल है तो वहां जो है, ये डियर्स गड़बड़ किया है, चलो ये सही है, आई हैव सीन अ डियर नहीं होगा यहाँ, आई हैव सीन, ये सही है, सॉरी, आई हैव सी अ डियर, यानी सिंगुलर बनाना है तो आगे अ जोड़ दिया, देर आर 10 डियर्स, तो ये डियर्स नहीं होगा, ऐसे नहीं जुड़ेगा भाई, ये गड़बड़ है। और नीचे वाला देखो, देर आर 10 डियर इन द जू, तो डियर ये है, डियर का डियर ही रहेगा, ऐसे नहीं जुड़ेगा, आगे डिजिट जोड़ दिया, एक से ज्यादा 10 बताना तो 10 बता दिया। इसी प्रकार से देखो, ज्यूरी, कोयर, कमिटी, काउंसिल, क्राउड, हर्ड, ऑर्केस्ट्रा, टीम, गवर्नमेंट, मॉब, एटसेट्रा, ये कलेक्टिव नाउन के रूप में है, अगर इनका प्रयोग जो है कलेक्टिव यूनिट के रूप में होगा तो सिंगुलर आएगी, और इंडिविजुअल का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल आएगी। जैसे द जूरी हैज डिवाइडेड इट्स ओपिनियन, ठीक है, तो यहां पर जो है जूरी एक सिंगल यूनिट के रूप में आई है, कि भी जूरी है डिसाइडेड द मैटर, या जो भी किया है तो जूरी ने मिलके किया है, तो यहां पर जो है जूरी वर्ड जो है एक सिंगल यूनिट के रूप में आई है। लेकिन यहां पर जो है देखो, जूरी हैव डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस इन दियर, अब यहां सिंगल राय, एक राय आ रही थी कि इट्स जो है सिंगुलर आया है, यहाँ जो है क्या हैव के साथ दियर ओपिनियन यानी कि इंडिविजुअल व्यक्ति की राय हो सकती है, तो यहां पर जो है प्लूरल, यानी कि इसमें जो है जैसे टीम है, कमिटी है, अब यहाँ एक एक टीम एक मेंबर की बात हो रही हो, एक एक कमिटी मेंबर की बात हो रही हो, तब तो वो जो है प्लूरल काउंट होगा, लेकिन एक सिंगल यूनिट के रूप में, जैसे द टीम हैज वन द मैच, अब वहां टीम क्या है, टीम ने कलेक्टिव नाउन है, एक सिंगल यूनिट है, तो टीम हैज वन द मैच हो जाएगा, हैज लगेगा, सिंगुलर के रूप में यूज हुई। लेकिन द टीम आर हैविंग फूड, तो यहाँ क्या है, टीम खा रही है, टीम थोड़ी ना खा रही है, टीम का प्रत्येक मेंबर खाना खा रहा है, तो वहां जो है टीम के साथ आर भी यूज हो जाएगा जब अपन इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करेंगे। तो ये समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट रूल, देखो हाफ अ या एन प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि आर हो गया, पाउंड हो गया, किलो हो गया, माइल हो गया, तो इनका प्रयोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट में सिंगुलर में होगा, हाफ के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा, जैसे हाफ ए किलो, हाफ एन आर, ये हाफ ए किलोज नहीं होगा, हाफ एन आर्स नहीं होगा। इसी प्रकार से देखो, हाफ
अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट का प्रयोग भी होता है। हाफ ए किलो हो जाएगा, हाफ एन आर हो जाएगा, ये तो सही है, लेकिन ये किलोज और आर्स नहीं होगा। अगला देखो, वन एंड ए हाफ तो है, इनके साथ प्लूरल हो जाएगा क्योंकि एक से ज्यादा है, तो वन एंड हाफ किलो सही है, या वन एंड हाफ, वन एंड ए हाफ किलो नहीं होगा। इसी प्रकार से देखो, ए एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ए हाफ का प्रयोग जो है, जैसे अ किलो एंड ए हाफ, तो यहां सिंगुलर हो जाएगा, यहां ए किलोज एंड ए हाफ नहीं होगा। एन आर एंड ए हाफ हो जाएगा, एन आर्स एंड ए हाफ नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन प्लस एंड प्लस अ हाफ, या न्यूमरल एडजेक्टिव आया है प्लस हाफ प्लूरल का प्रयोग होगा। जैसे कि न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो संख्या बताने वाले विशेषण है, जैसे वन टू थ्री फोर हो गया, सम हो गया, ऑल हो गया, मैनी हो गया, फ्यू हो गया, जैसे टू किलोज एंड ए हाफ, तो सही हो जाएगा ये। इसी प्रकार से देखो, फाइव आर्स एंड ए हाफ सही होगा, टू एंड ए हाफ किलोज ये भी सही हो जाएगा, लेकिन टू किलो एंड ए हाफ गलत है। इसी प्रकार से फोर आर एंड ए हाफ ये भी गलत होगा, और टू एंड ए हाफ किलो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कॉर्डिनल एडजेक्टिव, कॉर्डिनल का मतलब कॉर्डिनल नंबर क्या, वन टू थ्री फोर फाइव, ये जो गिनती है इसको अपन कहते हैं कार्डिनल, और ऑर्डिनल कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो क्रम बताए वो तो होंगे ऑर्डिनल, और जो संख्या बताए वो होंगे कार्डिनल। तो कार्डिनल एडजेक्टिव जो है प्लस प्लूरल नाउन हो तो इनका प्रयोग कैसे होगा, देखिये फाइव किलोमीटर, तो ये वो आगे तो है, जो क्या होगा फाइव लग गया तो यहाँ किलोमीटर स्पीच प्लूरल ही लगेगा, फाइव किलोमीटर नहीं होगा, फाइव किलोमीटर ही होगा। ये देखो, ए कार्डियल, ए प्लस कार्डियल एडजेक्टिव प्लस हाइपन दे रखा है तो वहां सिंगुलर होगा। जैसे ए फाइव मैन कमिटी, यहाँ जो है फाइव मैन, ये एक एक यूनिट है, एक शब्द है, तो इसके एम ए एन ही आएगा, एम ई एन करोगे तो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से देखो, यहाँ जो है कॉर्डियल एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव और हाइपन में सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, जैसे यहाँ देखिए फाइव टू रूम सेट, अभी टू रूम जो है ये एक शब्द है, तो यहाँ जो है टू रूम्स नहीं होगा, ठीक है, फाइव टू रूम फ्लैट्स, यानी कि पांच दो रूम वाले फ्लैट हैं, तो दो रूम या क्या है, यहाँ जो है सिंगल वर्ड के रूप में काम करेगा। इसी प्रकार से टेन फाइव रुपीज नोट, टेन फाइव रुपी, अब फाइव रुपीज नहीं होगा, टेन फाइव रुपी नोट, यानी कि दस पांच पांच रुपए के नोट, ये जो है इधर अगर आप जो है टू रूम्स करोगे या फाइव रुपीज करोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से फाइव मैन कमेटी, अब यहाँ हाइपन नहीं है तो वो जो है प्लूरल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइपन है तो उससे पहले आपको क्या करना है, सिंगुलर ही यूज करना है। इसके बाद देखो, कुछ प्रोनाउंस भी है जिनके प्लूरल हो जाते हैं, भाई नाउन के तो प्लूरल होते ही हैं, लेकिन प्रोनाउन के भी प्लूरल्स होते हैं। जैसे आई का प्लूरल क्या हो जाएगा, वी, ही का दे, दिस का दीज, हिज का दियर या दियर्स, इट्स का दियर, मी का अस, हर का देम, योरसेल्फ का योरसेल्फ्स, आइदर का बोथ। उसी प्रकार से यू का यू ही रहेगा, सी का दे, दैट का दोज, हर का दियर, हर्स का दियर्स, हिम का देम, माइन का आर्स, ईच का बोथ, और माई का आवर। तो ये कुछ प्रोनाउंस हैं जिनके प्लूरल होते हैं। इसके बाद देखो, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब या मैन वर्ब भी है, जैसे एम जो है वो सिंगुलर है, इसी प्रकार से आर प्लूरल हो गया, वो सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल हो गया, डज सिंगुलर है तो डू प्लूरल हो गया, रीड्स सिंगुलर है तो रीड प्लूरल हो गया, इज सिंगुलर है तो आर प्लूरल हो गया, हैज सिंगुलर है तो हैव प्लूरल हो गया, अब देखो राइट्स सिंगुलर है तो राइट प्लूरल हो गया, कुक, कुक्स जो है सिंगुलर है तो कुक प्लूरल हो गया। यहाँ देखिए आप, नोट भी लिखा हुआ है, देखो नाउन्स में एस ई एस आई ई एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनते हैं, लेकिन अगर वर्ब में जोड़े हैं तो वो सिंगुलर बन जाएंगे। यहाँ देखो, डू के साथ ई एस जुड़ा, डज जो है ये सिंगुलर बनी है। उसी प्रकार से रीड के साथ एस जुड़ गया, रीड्स, तो ये भी सिंगुलर है। राइट के साथ एस जुड़ गया, ये भी सिंगुलर है। कुक्स के साथ एस जुड़ गया, ये भी सिंगुलर है। यानी कि अगर अपन एस
ईएस या आईस ईएस जो यूज करते हैं नाउन के अंत में लगाएंगे तो नाउन तो बनेगी प्लूरल, लेकिन अगर किसी वर्ब के एंड में जोड़ेंगे तो वो वर्ब बन जाएगी सिंगुलर। तो उम्मीद करता हूं इस सेशन में जो सिंगुलर प्लूरल से संबंधित जो कंसेप्ट थे वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। एक बार इनको अच्छे से पढ़ लें, किसी भी प्रकार के एग्जाम में इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और सिंगुलर प्लूरल से संबंधित अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।